आज के इस हाईटेक टाइम में स्मार्टफोन हम सब के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सब जानते हैं। हम अपने सारे काम स्मार्टफोन से ही करते हैं, अब चाहे वो कहीं मनी ट्रांसफ़र हो या चाहे ट्रेन बुकिंग ही क्यों ना हो। और हम सब अपने मोबाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी स्पेंड करते हैं, पर अगर ऐसा हो आपका फ़ोन कहीं छूट जाए आपसे या कहें खो जाए या कहीं चोरी ही हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए या अभी भी कई लोगों को नहीं पता है। दोस्तों, मैं सूर्यांशु आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल आज हिंदी ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्मार्टफोन चोरी या खो जाने पर क्या करें और अपने स्मार्टफोन का डाटा कैसे सेव करें अगर फ़ोन चोरी हो गया हो। तो स्मार्टफोन चोरी होने पर अक्सर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आखिर क्या करें, कैसे फ़ोन वापस मिलेगा, फ़ोन को कैसे ट्रेस किया जाए या फिर फ़ोन के डाटा को रिकवर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आपका फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए तो सबसे पहले आप याद करिए कि आपने अपना फ़ोन कहीं रख कर भूल तो नहीं गए हैं, या आप जहां गए हो वहां कहीं आपके पॉकेट से गिर तो नहीं गया। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों ही स्मार्टफोन में अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है फ़ोन ट्रेस करने का। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको फाइंड माई डिवाइस पर जाकर उसमें अपने जीमेल से लॉगिन करना होगा। आपको उसी जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होगा जो जीमेल अकाउंट आपका उस स्मार्टफोन पे लॉगिन है, और यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि यहाँ से आप अपना फ़ोन का लास्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन पर पासवर्ड भी लगा सकते हैं या कोई मैसेज लिखकर अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं कि अगर कोई आपका फ़ोन पाया है तो मैसेज देखकर आपके नंबर पर कॉल करके आपको इन्फॉर्म कर सके, और आप चाहे तो फ़ोन के डाटा को यहीं से इरेज भी कर सकते हैं। और अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं तो आपको फाइंड माई आईफोन पर जाना होगा। आपने जिस आईफोन आईडी से अपने आईफोन में लॉगिन किया है वही आईडी उस पर डालकर लॉगिन करें, और यहीं पर आप फ़ोन की लास्ट लोकेशन देख सकते हैं और यहीं से अपने फ़ोन के डाटा को इरेज कर सकते हैं सेम एंड्रॉयड फ़ोन की तरह। आपको बता दें, फाइंड माई डिवाइस और फाइंड माई आईफोन दोनों का ही लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको बता दें, यह सब तभी वर्क करेगा अगर आपका फ़ोन ऑन हो और उसमें नेट कनेक्शन भी ऑन। पर अगर नेट कनेक्शन ऑफ हो या आपका फ़ोन ऑफ हो तो ऐसे केसेस के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन की तरफ से एक वेबसाइट सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CIER को लॉन्च किया गया है, जो खासकर चोरी होने वाले मोबाइल का पता लगाने के लिए है। इस वेबसाइट की मदद से चोरी होने वाले स्मार्टफोन को ब्लॉक और अनब्लॉक किया जा सकता है, साथ ही फ़ोन की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। बता दें कि CIER में देश के हर नागरिक के मोबाइल का मॉडल, सिम और IMEI नंबर मौजूद है। इसमें चोरी हुए मोबाइल को खोजने में आसानी होती है। आपको बता दें, मोबाइल के मॉडल पर उसे बनाने वाली कंपनी द्वारा जारी IMEI नंबर के मिलान की तकनीक CDOT ने ही विकसित की है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग फ़ोन चोरी या कहीं खो जाने पर सिंपल दूसरा सिम अप्लाई करा लेते हैं और फिर पुराने फ़ोन को भूल जाते हैं, लेकिन आपकी यह आदत आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि अगर आपके चोरी होने वाले स्मार्टफोन से कोई गलत काम होता है तो उसके लिए आप दोषी करार दिए जाएंगे। इससे आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपने खोए फ़ोन का सिम और IMEI नंबर दोनों ही ब्लॉक कराना ज़रूरी है, क्योंकि आपके फ़ोन नंबर से आपको सबसे पहले स्मार्टफोन खोने की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। इसे ऑनलाइन मोड से दर्ज करा सकते हैं, जिसे चोरी होने वाले स्मार्टफोन का FIR नंबर जनरेट होगा। FIR दर्ज होने के बाद आप कानूनी रूप से फ़ोन से होने वाले गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। इसके बाद FIR रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आपको वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन, ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल, चेक रिक्वेस्ट स्टेटस और अनब्लॉक फाउंड मोबाइल दिखेंगे। चोरी हुई मोबाइल के लिए ब्लॉक लॉस्ट मोबाइल पर क्लिक करें, वहीं चोरी हुआ मोबाइल वापस मिल गया है तो अनब्लॉक फाउंड मोबाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद एक पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा, साथ ही IMEI नंबर और स्मार्टफोन के ब्रांड के बारे में सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। इसके अलावा डिवाइस मॉडल और मोबाइल का बिल अपलोड करना होगा। इसके बाद मोबाइल फ़ोन खोने की प्लेस, सिटी, स्टेट, पुलिस स्टेशन और FIR नंबर, फ़ोन खोने की डेट, ऐसी सारी चीज़ें उस पर दर्ज करनी होगी। इन सारी डिटेल्स के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब भी दर्ज कराना होगा।
फिर आपके दूसरे नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे दर्ज कराने के बाद फाइनल सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके चोरी हुए मोबाइल की खोज शुरू हो जाएगी, साथ ही चोरी हुए मोबाइल को ट्रेस कर पाएंगे। बाकी आपको फ़ोन चोरी होने के बाद ये सबक ले लेना चाहिए कि अब से थोड़ा केयरफुल रहें और फ़ोन को केयरलेसली कहीं ना छोड़े, नहीं तो आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।